जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। मैं मोहन हस्त्री स्वागत करता हूं। आज जो है माइक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो जाए, तो आप सभी लोग जो है वो कोऑपरेट करेंगे। देखिए, आज जो है मैं PSV फिर गया था, जैसे कि रेगुलर जो है मैं जाता रहता हूँ और आप सभी लोगों को जो है वो अपडेट देता रहता हूँ। तो कुछ खास अपडेट मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ कन्फर्म करने के लिए कि ये बात सही है कि नहीं है। ये कन्फर्म करने के लिए जो है मैं USB मुझे जाना पड़ता है। तो आज जो है कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि आप सभी लोगों के लिए थोड़ी जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो आज जो है ESB गया था और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर बहुत से भाई बहन मिले, ठीक है, अभी भी जो है वो लगातार जो है फॉर्म भरने आ रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है वो जानते हैं। और आज की जो खास बात या अलग बात है वो ये है कि जो वहाँ के अधिकारी थे, कुछ बहनें जो है वो परेशान थी, और तो परेशान होने के साथ ही उन्होंने ये शर्त रखी कि सर हम बार बार जो है वो ESB नहीं आ सकते। ठीक है, तो ESB हम जो है बार बार नहीं आ सकते, इसलिए आप ऐसा काम कीजिए कि जो लिंक है वो वहीं पर हमें उपलब्ध हो जाए। तो वहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने ये कहा है, ठीक है, कहा है, आश्वासन भी दिया है कि हम जो है कोशिश पूरी करेंगे कि जहाँ पर आप हैं उसी ज़िले में या उसी जगह आपका जो है वो फॉर्म फिल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये तक कहा है कि हम जो है जो साइट है जैसे खुलती है ESB के पेज पर वो खोलेंगे। अब हो सकता है सभी के लिए वो खोल दें तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है, सभी भाई बहनों के लिए यदि खोल दें तो अच्छी बात है। परंतु मैंने उनसे पूछा था कि सभी के लिए खुलेगी कि पिटीशन वालों के लिए, तो उन्होंने बोला है कि पिटीशन वालों के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि जो ESB की साइट है उस पर जो है वो खुलेगा। ठीक है, तो ये थी वर्ग एक वालों के लिए। ठीक है, अब आई एक बात जो है पुलिस कांस्टेबल के जो मेरे भाई बहन हैं वो बहुत जो है परेशान हो रहे हैं। तो क्या हो गया है कि फॉर्म किसी का जो फॉर्म है वो भरा गया है, परंतु या तो बता नहीं रहा है या फिर क्या होगा है पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी बात के लिए उन्होंने जो है अपनी ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करेंगे तो वो फिर आगे कुछ प्रोसेस करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा और ये हो सकता है, मतलब पॉसिबल है। तो एक बहन भी आई थी जिसका फॉर्म जो है वो भरा गया परंतु भुगतान नहीं है। ऐसा आपने भी कभी फॉर्म भरा होगा तो ऐसा देखा होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप यदि आपके साथ भी कोई ऐसी है प्रॉब्लम तो आप ESB आ सकते हैं। ठीक है, यही केवल मात्र सॉल्यूशन आपका हो सकता है, बाकी आप सोचें और कहीं तो और कहीं आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये बात थी MP पुलिस की। एक भाई भी था, उसने भी फॉर्म डाला था परंतु वो बोल रहा था कि फॉर्म तो मैंने भर दिया था परंतु फिर बाद में कुछ दिखाई नहीं रहा। तो उन भाई बहनों ने जो है ईमेल लिया और शायद एक आवेदन भी उन्होंने दिया है। तो इस तरीके से उनकी जो कुछ प्रॉब्लम है वो हो सकता है कुछ हद तक या पूरी जो है वो सॉल्व हो जाए। यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ESB आना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई आप सोचे कि पूछो या ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद ही आना पड़ेगा यदि कुछ करना है तो। ठीक है, तो MP पुलिस वालों के लिए ये थी। और जो वर्ग एक वाले हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक वाले, उन लोगों के लिए बस यही एक अच्छी बात है कि जो बहनें और भाई जो परेशान हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो एक ये सुखद सूचना हो सकती है कि आपको जो है आपके ज़िले में ही आपके आसपास जो MP ऑनलाइन होगी वहाँ पर आपको फॉर्म भरने की जो सुविधा है वो दे दी जाए तो अच्छी बात है। जहाँ पर आप जो है, उन्होंने एक बात भी कहा है, जैसे कि अभी जो है बहुत से भाई बहन जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आप लोग जो है वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चेक करते रहेंगे साइट को, चेक बिल्कुल करते रहेंगे, रेगुलर कर लो भाई। व्हाट्सअप भी तो रोज़ चलाते हो और भी चीज़ें भी चलाते हो, तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप जो है वो चेक करते रहें। ठीक है, ESB की साइट को जो है वो चेक करते रहेंगे। और जो भी आपके ग्रुप में हो या फिर आप ग्रुप में हो तो भाई इतने लोग होंगे, कोई ना कोई तो देखेगा, और हम तो फिर हैं ही, ठीक है, फालतू लोग। ठीक है, तो आप सभी को लोग जो है वो ये सूचना थी और ये अच्छी खबर भी अपन कह सकते हैं, परंतु अभी तक जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर हो सकता है अब जल्दी से जल्दी जो है ESB रिएक्शन ले। तो ये एक सुखद सूचना थी और कुछ अलग भी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो भैया, जो लोग विश्वास करते हैं वो मेरी बात मान लें, ठीक है, और जो लोग नहीं करते वो ना माने, हमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही एक सूचना देनी थी, और मैं आया भी हूँ ESB और आया था और आपको सूचना भी दे दी। तो बस
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। यदि लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।